हेलो एवरीवन आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड टू शेयर दिस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ थर्ड आई एक्टिवेशन प्रोसेस या मेरे थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन का जो मैंने आज रिजल्ट या उसका आउटकम एक्सपीरियंस किया या कैसे वो चीजें मैनिफेस्ट हुई वो मैं आज सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड माय डियर फ्रेंड इट वर्क्स लाइक अमेजिंग और केवल नेक्स्ट डे ही इसका रिजल्ट मिला और मैंने कल रात को ही इस चीज के बारे में सुना तो मैं आज आपको ये स्टोरी बताने वाली हूँ कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपकी पूरी मदद करता है अगर आप सच्चे मन से शुद्ध हृदय से और पवित्र इरादे के साथ अगर किसी की लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ आप ढूंढ रहे होते हो खुद भी आजमाते हो और उस तक पहुँचाना चाहती हो तो स्वयं ईश्वर ब्रह्मांड आपकी कितनी मदद करता है और कैसे उसके रिजल्ट मिलते हैं ताकि हम कॉन्फिडेंटली आपके साथ ये चीज शेयर कर सके कि इट वर्क्स हमारी पुरानी संस्कृति सभ्यता देखो कितने ऋषि मुनि योगी इतने पवित्र इतने बड़े बड़े ग्रंथ के गए पतंजलि योग सूत्र में भी इन सबका वर्णन है और एक्चुअली ये पतंजलि योग सूत्र में ही इस थर्ड आई मेडिटेशन का भी वर्णन है हो सकता है अलग फॉर्म में हो अलग रूप में हो बट अगर हम उन सब चीजों का यूज करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं तो कितनी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं हम अपनी पुरानी परंपराओं को योग क्रियाओं को भूल गए हैं धीरे धीरे मेडिटेशन के लिए हमारी लाइफ में कोई जगह नहीं है बट माई डियर फ्रेंड बिलीव मी इट वर्क्स एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक जादू की तरह काम करता है और मैं आज सुपर एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए या मेरी थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन की सक्सेस स्टोरी और साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने में क्योंकि आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी बट इसका मैनिफेस्टेशन इतना बड़ा और इतनी जल्दी होगा मैंने सोचा ही नहीं था एंड आई एम सुपर एक्साइटेड इसलिए मैं आपके साथ ये प्रोसेस भी शेयर करना चाहती हूँ और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने ये चीज मेरे पास कैसे लेके आई और उसके बाद फिर मैंने जो थर्ड आई मेडिटेशन किया उसका रिजल्ट मुझे कैसा मिला ये मैं पूरा आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से ये चीजें आपके जीवन में आप के मैनिफेस्टेशन के लिए काम करती हैं वो प्रोसेस भी मैं बताऊंगी बट बत उस प्रोसेस का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आप उस वीडियो को भी प्ले करके अपने थर्ड आई मेडिटेशन को परफॉर्म कर पाओ तो ये क्या है मैंने कल रात की ही बात है मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ बुक्स पढ़ रही थी और वो ऑडियो बुक्स मैं जब पढ़ रही थी तो मैं थर्ड आई मेडिटेशन के बारे में पढ़ रही थी और मैंने जब उसमें ये टॉपिक डाला तो बुक की जगह एक वीडियो पॉपअप हुआ वो उस चैनल का नाम भी आपको मैं बताऊंगी ही इज अमेजिंग उनके साढ़े पांच लाख से भी ज्यादा शायद सब्सक्राइबर है क्वाजी जौहर ये उनका नाम है ये चैनल का भी नाम है और उनका ये वीडियो भी वायरल ही है लगभग साढ़े छह लाख के करीब उसमें व्यू थे तो वो सबसे पहले पॉप अप हुआ और वो था हाउ आई चेंजड माई लाइफ और हाउ आई एक्टिवेटेड माई थर्ड आई तो मैंने उसको पूरा सुना और उन्होंने जो मेडिटेशन बताया वो मैंने किया और ये करीब रात के साढ़े सात आठ की बात है तब मैंने आधा सुना और उसके बाद में मुझे कुछ काम था तो मैंने उसको छोड़ दिया और सोचो कैसे लॉ ऑफ अट्रेक्शन आपके लिए वो सब चीजें लाके देता है जो आप चाहते हो उसके एक दिन पहले मैंने सदगुरु का एक वीडियो सुना था उसमें भी उन्होंने क्रिया योग के बारे में बात की थी तो उसके बारे में भी मैं जानना चाह रही थी फिर नेक्स्ट डे मुझे सात आठ बजे के करीब यह वीडियो पॉपअप हुआ इसको भी मैंने अधूरा छोड़ दिया और एज इट इज की छोड़ो पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आपके लिए वो सारी चीजें अरेंज करता है जो आप चाहते हो जानना और शाम को एक वीडियो और पॉपअप हुआ जिसमें थर्ड आई या पीनियल ग्लैंड के बारे में मैंने पूरा डिटेल पढ़ा और उसके बाद रात को सोने से जस्ट पहले ये वीडियो हिस्ट्री में जा चुका था और मैं इसको नहीं देखने वाली थी किसका क्वाजी जोहिर का बट फिर वो उस पर क्लिक हो गया और मैंने उसके आगे का पूरा सुना और साथ में उसको मेडिटेशन जैसे भी मैंने किया या उसको बस परफॉर्म किया जबकि जब वो परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले आपकी क्या मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो या आपकी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो वो आपको उसमें देखना पड़ता है पर चूंकि मैं रेंडमली देख रही थी तो मेरे दिमाग में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि जिसको मैं सॉल्व करना चाहूँ या कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहूं मैंने बस एज इट इज ही उसको परफॉर्म किया और उसको जब मैं परफॉर्म कर रही थी तब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि मैंने एक दिन पहले हाउ इट इज वंडरफुल ये एक मेडिटेशन सुना था तो उसमें एक ये एफर्मेशन थी कि मैं बहुत सारी गिफ्ट्स रिसीव कर रही हूँ इज इतने वंडरफुल क्या हुआ मैं शुरू से अपने घर में सबसे बड़ी हूँ तो मुझे जिम्मेदारियों का एहसास था और शुरू से लेकर अब तक मैं सिर्फ गिविंग गिविंग पे ही ज्यादा फोकस करती थी मैं रिसीविंग पे मैंने कभी अपने आप को महसूस नहीं किया कि आई एम डिजर्विंग टू रिसीविंग समथिंग या मैं भी वो रिसीव करने को डिजर्व करती हूँ मैंने सिर्फ हमेशा क्या दे सकती हूँ अच्छा क्या कर सकती हूँ बस उसी के बारे में सोचा तो वैसा ही मेरे साथ होता था बट उसकी जब ये एफरमेशन मैंने सुनी कि वाई आई एम रिसीविंग सो मैनी गिफ्ट एवरी डे तो वो एक नया विचार था मेरे दिमाग के लिए एंड इट ग्लोज माई माइंड कि वो फीलिंग सच में कितनी अच्छी होती होगी जब मैं दूसरे को देती थी तो मैं बहुत अच्छा फील करती थी बट जब खुद हम रिसीव करते हैं तो हम कितना अच्छा महसूस करते हैं वो फीलिंग मेरे अंदर एकदम एक्सट्रेसी के रूप में पूरे फैल गई थी पूरे दिमाग में तो जब मैं वो मेडिटेशन कर रही थी तो उस समय मेरे दिमाग में वही एक एफरमेशन दिमाग में पॉपअप हुई कि ये चीज मेरे लिए कुछ नहीं है और फिर मैंने वो थर्ड आई मेडिटेशन परफॉर्म किया जैसा उन्होंने बताया था अब उसके आगे की स्टोरी में बताऊंगी पर उसके पहले एक और बहुत अमेजिंग चीज है कि उस थर्ड आई एक्टिवेशन में जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है मेथड प्रोसेस जिसके बारे में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बताने के लिए ढूंढ रही थी उसके बारे में पढ़ रही थी और खुद भी एक्सपीरियंस करना चाह रही थी बहुत लोग ने मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट भी किया है कि आप सिल्वा मेथड के बारे में बताइए तो एक दो बार मैंने किया था पर डिटेल नहीं मालूम था इसलिए मैं उसके बारे में पढ़ भी रही थी और सुन भी रही थी और देखिए सिल्वा मेथड का को पूरा पढ़ने के बाद में भी मुझे उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे कुछ ज्यादा ऐसा कन्विंस नहीं हुई कि आपको बता सकूं तो ईश्वर ने या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मुझे दूसरे डायरेक्शन से लाके और वापस वहीं खड़ा किया कि दिस इज द राइट वे जैसे मैंने जीपीएस सिस्टम आपके साथ शेयर किया था कि ये गाइडेंस सिस्टम हमारे अंदर है और ये आपको गाइड करता है तो वो जो सिल्वा मेथड था वो थर्ड आई एक्टिवेशन वाले मेडिटेशन में सेम वही क्वाजी जोहर ने बताया मीन्स आप देखो कि आप किसी चीज को अगर पाना चाहो तो कैसे वो चीज आपके पास आती है तो जो वो मेडिटेशन की प्रोसेस की वो सिल्वा मेथड प्रोसेस ही है बहुत सिंपल प्रोसेस है और उस प्रोसेस में आपको कुछ नहीं करना है मैं दो मिनट में आपको वो प्रोसेस बताती हूँ पर परफॉर्म करने के लिए आपको एक अलग वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर सको उसमें आपको क्या करना है थ्री डीप सांसें लेना है ब्रीथ करना है और इनहेल एक्सेल ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए जैसे इस तरीके से तीन सांसें आपको गहरी लंबी लेनी है और छोड़नी है नेक्स्ट स्टेप आपको करना है आपकी जो आई वॉल है इसको ऊपर की ओर आपको लेके जाना है और इस हिस्से को इमेजिन करना है किस तरीके से ये सेम मेथड मेरिशा पीयर भी बताती हैं कि जब आप ये को ऊपर यहाँ करते हो तो आप अपने माइंड से कनेक्ट हो जाते हो। जाते दूसरी मेरी बाहर की की फॉरेन राइटर हैं, उनकी भी आपने बहुत सारे उनका चैनल है आप उनको बहुत अच्छे से देख सकते हो शी इज रैपिड हीलिंग थेरेपी इस तरह की वो एक आर आर टी शायद उनका उस प्रोग्राम का नाम है और वो बहुत मतलब हिप्नोसिस की एक्सपर्ट है वो भी सेम यही प्रोसेस बताती और सबसे अच्छी बात कि हमारे शास्त्रों में जो परमहंस योगानंदाचार्य हैं, उनकी भी जो क्रिया योग है उसमें भी वो जब अपने सबकॉन्शियस सुपरकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते थे तो ये आई को ऊपर ही ले जाके वो कॉन्सेंट्रेटेड करते थे यहाँ पे मीन्स आपको ऊपर की ओर देखना है तो आप जब इस तरीके से मरीज अफ यार बताती आंख खुली हो और आप ऊपर की ओर देखो और जब थक जाओ यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और तब आप आंख बंद कर लो तो वो भी कर सकते हो अदरवाइज आप आंख बंद करके भी अपने आई बॉल को ऊपर लेके जाइए और इमेजिन कीजिए यहां और ऊपर आपकी आई बॉल है ये देखिए आपको यहाँ पे एक प्रेशर नजर आने लगे मतलब महसूस होने लगेगा यहाँ पे प्रेशर महसूस होने लगेगा तब आप सही सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड हो आपको उस तरह की फीलिंग आने लगेगी और आपको पूरे टाइम आई को यही रखना कोशिश करना है कि आप ऐसे ऊपर ही देखो और वो प्रेशर को महसूस कर पाओ तभी आपको क्या करना है इमेजिन करना है आपकी वो एक प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो उस प्रॉब्लम को अच्छे से इमेजिन कीजिए महसूस कीजिए उसके बाद अपने हार्ट में एक बॉल को देखिए लाइट की बॉल उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम है फिर वो प्रॉब्लम जो है वो बॉल है वो आपके अनाहत चक्र पे आ रही मतलब हृदय चक्र से विशुद्धि चक्र पे आ रही और फिर आज्ञा चक्र पे आ रही ये एनर्जी के सेंटर हैं और फिर आज्ञा चक्र से चक्र पे और फिर यहाँ से ब्रह्मांड या सुप्रीम पावर उस पर आपको रिलीज करना है वन टू थ्री इस तरीके से जैसे चुटकी बजी वो रिलीज हो गया अब सेम यही मेथड आपको फिर से दोहराना है आपने अब वो प्रॉब्लम्स सॉल्व uh, हो गई सुप्रीम पावर पे छोड़ दिया लेट गो रिलैक्स अब आपको फिर से वो आपको वो खुशी जो आपका टारगेट है आप कैसा चाहते हो वो हो चुका है और फिर आप अपनी उस खुशी को इमेजिन कीजिए महसूस कीजिए आप डांस कर रहे हो कोई कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहा है या आपके पास चेक है जो चाहते हो जॉब है सब हो गया है उस हैप्पी सीन को फील करना है फिर से वापस हार्ट के जो बॉल है लाइट की बॉल वहां पे उस सीन को पूरा कैप्चर करना है उसके बाद फिर उसको आ, विशुद्धि चक्र तक लाना है अनाहत से विशुद्धि फिर आज्ञा फिर फिर सुप्रीम पावर की ओर एक वन टू थ्री बोल के उसको छोड़ देना है ताकि अब सुप्रीम पावर ने आपका ये मैनिफेस्टेशन उसके ऊपर छोड़ दिया है अब वो होगा बस इतनी सी प्रोसेस है फिर रिलैक्स होके आपको खोलना है अब लास्ट में इसका एक्सपीरियंस सुनिए वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है बट लिसन टू तो मी केयरफुली कि कितने जल्दी ये काम करता है तो कल रात को मैंने यही किया और क्या फील किया था मैंने कि आई एम रिसीविंग गिफ्ट्स क्योंकि और कोई प्रॉब्लम मेरी थी ही नहीं क्योंकि मैं ये जानबूझ के परफॉर्म नहीं कर रही थी ये मैं सुन रही थी और अचानक से हो रहा था वो मैंने आज शाम को जब मुझे ये सब कुछ मिला तब मैंने ये महसूस किया और फिर मैं सोचा आपके साथ शेयर करते हैं इससे आपको बहुत आत्मबल मिलेगा और सुबह नौ बजे के करीब मेरी एक जूनियर है तो उसका फोन आया मेरे पास कि हमको हमारे एक रिलेटिव हैं उनके यहाँ ज्वेलर्स हैं हमको उनके यहाँ जाना था उसको कुछ सामान लेना था तो वो मेरे साथ जाना चाह रही थी फिर हम दोनों का प्लान बना मैंने अपने हस्बैंड को बताया और हम लोग वहाँ पे सामान लेने गए उसने बहुत सारी चीजें पसंद की मुझे भी बहुत कुछ देखना था पर जो चाहिए था वो उस समय मिला नहीं और फिर उन्होंने मुझे मैंने कस्टमाइज्ड कुछ चीज बनवाने का उनको ऑर्डर देके के आऊंगी ऐसा बोला और बाद में मैंने किया के बाद में करेंगे और उन्होंने मुझे उसी समय बताया कि ठहरिए मेरे पास डायमंड्स की रिंग आई थी छह सात दिन पहले ट्वेंटी थ्री या ट्वेंटी सेवन रिंग आई थी क्योंकि वो उनको जस्ट हाफ प्राइस में मिली क्योंकि उनका शोरूम बंद हो रहा था और एनी हाउ उनको उसमें से पैसे निकालना था तो बहुत कम रेट में उन्होंने हमें हमको दिया और वो बिल्कुल मिनिमम मिनिमम से मिनिमम रेट में आप लोगों को मिल सकती है क्योंकि वो हमारे रिलेटिव हैं तो वो इस तरह की डील हमको बताते हैं जिसमें बहुत फायदा हो तो उन्होंने मुझे डायमंड की रिंग बताई बोले सिर्फ ये दो रिंग ही बची है आप इनको देखिए लेके जाइए आपको पसंद आए तो आप लीजिए बिल्कुल आप विश्वास नहीं करोगे इतनी कम से कम रेट में उन्होंने मुझे ये दी और साथ में बहुत सारी चीजें एक आ, मैं आपको इसके इस वीडियो में शेयर करती हूँ मैंने एक वहां पे दुबई में एक नेक पीस देखा था जो मुझे बहुत पसंद आया था पर मैंने उस समय लिया नहीं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की परचेसिंग वहां से करनी सही भी है कि नहीं गोल्ड की क्योंकि पहली बार गए थे तो वो भी मुझे मिला वो ये नेक पीस था ये देखिए सेम इस तरह का नेक पीस और ये प्योर गोल्ड में और सेम मुझे ये मिला तो इसको अभी मैंने खरीदा नहीं है बट मैं बताती हूँ यूनिवर्स कैसे आप वो वो सारी चीजें आपके पास लाके रखता है दूसरा ये दो उन्होंने एक्स्ट्रा मुझे दिखाई कि अगर आपको पसंद आए तो आप ये रख सकते हो एक ये भी है और डायमंड रिंग देखिए अभी कि कैसे यूनिवर्स आपके लिए अरेंज करता है ये देखिए। ये सॉलिटेर रिंग है ये दो रिंग उन्होंने बताई मुझे अगर आपको क्लियर दिख रही होंगी तो ये देखिए ये दो रिंग है और ये शोरूम की रिंग है शोरूम बंद होने वाला था तो उन्होंने उनको हाफ प्राइस में दिया और ये सॉलिट है बीच में जो है ये भी है कितनी सुंदर डायमंड्स की रिंग है तो अब ये मुझे डिसाइड करना है कि इतने मिनिमम प्राइस में मैं इसको रख सकती हूँ या नहीं ये बहुत कम रेट में है आई थिंक ट्वेंटी सेवन थाउजेंड की एक है और एक थर्टी थाउजेंड की तो मुझे लगता है मिनिमम प्राइस है इसके लिए और ये प्योर गोल्ड है और ये देखिए सोलटर कितनी शानदार डायमंड रिंग है पर अब इतनी कम प्राइस में मैं लूंगी कि नहीं ये तो मैं अभी डिसाइड नहीं करूंगी मेरे परिवार वाले इसको देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है बट ये देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्ड आई एक्टिवेशन कैसे आपके लिए काम करता है उसने सारी चीजें अरेंज कर दी कुछ चीजें हमको खुद डिसाइड करनी रहती कि हमको क्या करना है बट माई डियर फ्रेंड यही मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और थर्ड आई एक्टिवेशन की सक्सेस um, स्टोरी है कि आई मोटिवेटेड माई थर्ड आई एंड आई वुड लव टू परफॉर्म दिस मैजिकल मेडिटेशन प्रोसेस मैनी टाइम्स अब मैं इसको कई बार ट्राई करूंगी और जब भी मुझे इसके रिजल्ट मिलेंगे आपको बताऊंगी उस वीडियो में भी क्वाजी uh, जौहर ने बताया था कि तीन दिन ये परफॉर्म करने के बाद तीन दिन वेट करना चाहिए और उनको सेकेंड डे से ही रिजल्ट मिलने लगे थे और उनके वीडियो वायरल होने लगे थे बट मेरी इंटेंशन उसकी नहीं थी क्योंकि मैं अनजाने में ही कर रही थी पर जो भी इंटेंशन उस समय थी वो देखिए नेक्स्ट डे दे, मतलब सेकेंड डे ही आज सेवन uh, के करीब हो रहे हैं सेवन पी जब मैं ये वीडियो बना रही हूं और कल रात की ही ये बात है तो आप देखिए नेक्स्ट डे दे, ईश्वर ने ये सब कुछ मेरे पास ला के रख दिया नाउ इट्स माई टर्न इससे अच्छी डील आपको मिल नहीं सकती है तो देखिए आप ईश्वर आपके लिए एक सब चीजें अरेंज करता है ट्रस्ट मी एंड ट्राई दिस प्रोसेस एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय